कोई भी सेवादार आते उनको बोल देते कि तू परवाह ना कर परिवार की, तू परवाह कर मैंने सेवा कितनी करनी है और ज्यादा से ज्यादा कर, एक दिन भी फिक्र ना कर, अगर तू ऐसा कर लेगा तेरा सतगुरु यार तेरे घर में जाके बैठ जाएगा, सारा कुछ वो संभालेगा, तेरे को संभालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो सेवादार सारा सारा साल सेवा करते थे, जो सब कुछ त्याग के लगे रहते थे सेवा में, उनके घरों में बारे न्यारे हो गए। पर बात यह है कि आप अगर करना है तो फिर आप करो या फिर सतगुरु पे छोड़ो, वो करेगा, दोनों में से कोई भी कर लो, करना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। तो ये साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से बताना, झूठा हाथ खड़ा ना करना भंडारे का दिन है। जिन्होंने इनको माना क्या उनके घरों में बल्ले बल्ले नहीं हुई? आप देख सकते हैं हम तो दोनों हाथ खड़े करते हैं भाई हां, 100% से नहीं मैं लाखों परसेंट बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि हमने खुद अजमाई इन चीजों को। हाथ नीचे कर ले, हां यहां सब लगभग सभी सेवादारों के साथ ऐसा हुआ है। पर ये बंदा आखे तेरा हां तक घाट नहीं रही बंदे नू, जे बंदा आखे मेरा हां तो घाट ही रही बंदे नू, क्योंकि मैं ये कर दू, मैं वो कर दू, मैं यहां जाऊं मैं वहां जाऊं, तू जाता रहे फिर सतगुरु पे तो छोड़ी नहीं ना। तो इसलिए वो पंजाबी च कहावत है डुल्ले बेरा ने कुछ नहीं बिगड़िया। इन्नी टेंशन अगर तुसी रब लई कर लो वो तुहाडे सामने खड़ा हो जाए, बोल पुत की चाहिए, जिन्नी तुसी बच्चियां लई जमीन जायदाद लई बिजनेस व्यापार लई या अपने कारोबार लई करते रहने हो, काश इसमें से थोड़ी सी टेंशन सतगुरु को पाने के लिए कर लो। टेंशन नहीं, तड़प लगन, हमें लगता नहीं भगवान जी आपके सामने नहीं खड़े होंगे, जरूर खड़े हो जाएंगे।